स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत। आज की वीडियो में हम कजरी तीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष से लेकर के और भाद्रपद कृष्ण पक्ष के बीच में तीन चार तृतीया और चार ही चतुर्थी पड़ती है, और इसमें जो है प्रत्येक तृतीया में चतुर्थी में व्रत किया जाता है। क्षेत्रवार और इन व्रतों का महत्व है, तो श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया में कहीं पर किया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया जो मधुश्रवा तीज होती है, हरियाली तीज होती है, और तो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है नाग पंचमी से दो दिन पहले, उसको हरियाली तीज मधुश्रवा तीज कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर उसका महत्व है, मनाई जाती है। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो चारों तृतीया पड़ती हैं श्रावण और भाद्रपद मास की, दो दो तृतीया होती हैं, तो इनका जो मनाने का और जो इनके पीछे पूजन का जो उद्देश्य है वो लगभग लगभग एक ही है। ये सारी तृतीया जो है शिव पार्वती की पूजा से संबंधित है, और इन सभी में महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य की कामना और कुमारी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर की कामना, यही निहित होता है, यही उद्देश्य होता है। और इन चारों में ही करीब करीब लगभग सभी में भगवान शिव और पार्वती की ही पूजा की जाती है, उन्हीं से संबंधित जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी हैं, और ये चारों व्रत उसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो एक श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया हुई, दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया, और तीसरी जो तृतीया होती है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की होती है। इसको कजरी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, इसके कई सारे नाम होते हैं, कजरी तीज के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यह कजरी तीज का जो व्रत है इस बार 25 अगस्त को पड़ेगा, बुधवार के दिन, और कजरी तीज के व्रत पे ये इस बार बुधवार के दिन तृतीया पढ़ना और धरती योग पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। कजरी तीज पे बड़ा सुंदर योग बन रहा है, ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि धरती योग में किए हुए सभी कार्य सफल होते हैं, और तीज का व्रत वैसे भी विशेष रूप से माता पार्वती और शिव को समर्पित है। इसमें इस व्रत को करके शिव और पार्वती जी की पूजा करना चाहिए, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उनको अर्पण करना चाहिए, और इसके अलावा जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा के उदय होने के बाद में चंद्रमा को अर्घ दे करके, जल ले करके, तब इसका पारण किया जाता है, यानी इस व्रत को व्रत का समापन किया जाता है, व्रत खोला जाता है। इस बार जो चंद्रमा के उदय होने का समय है स्थानीय समय अनुसार लगभग 9:45 का है, 8:45 रात्रि में, उसके बाद में इस व्रत का समापन किया जाएगा। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसी 25 अगस्त को संकष्टी गणेश चतुर्थी का भी व्रत होगा, क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि शाम को 4:18 तक है, इसके बाद में चतुर्थी लग जाएगी, तो चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी होने से इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत किया जाएगा, गणेश चतुर्थी का। उसको इस संकष्टी चतुर्थी को बहुला के नाम से भी जाना जाता है, प्रायः ज़्यादातर लोग बहुला के नाम से जानते हैं, तो इस बार कजरी तीज और बहुला दोनों का व्रत 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को पड़ रहा है, और जो चंद्रोदय का समय है, पारण का जो समय है, वो रात्रि 9:45 के बाद है, और तृतीया तिथि जो लगेगी वो 24 अगस्त को लग जाएगी। यद्यपि किसी किसी पंचांग में 24 अगस्त के लिए भी व्रत का, कजरी तीज के व्रत का विधान दिया गया है,
निर्देशित किया गया है कि किसी पंचांग में 24 तारीख को ही करना चाहिए, परंतु जो वाराणसी का पंचांग है, ज़्यादातर पंचांग है, उनका ये कहना है कि सूर्योदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करते हुए तो 25 तारीख को ये व्रत करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्रत जो है कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष खास होता है, खास करके उस कन्या के लिए जिस कन्या की कुंडली में कोई दोष है या विवाह में बाधाएं बार बार आ रही हैं, सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसे विशेष रूप से माता पार्वती और शिव का पूजन करना, 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस व्रत का लाभ सभी लोग ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक भी इसको अग्रसारित करने का कष्ट करें ताकि किसी को इसका लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।